नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी। आप देख रहे हैं डॉक्टर आलोक वेट क्लब। बेजुबानों की ज़िंदगी को बचाना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना और किसानों की मदद करना, इसी उद्देश्य से वीडियो लेके आए हैं। एक बकरी पालक बंधु, उनकी बकरी के पिछला पैर टूट गया है, हॉस्पिटल पे लेके आए हैं, तो ये प्लास्टर किया जा रहा है। वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम प्लास्टर करना बताएंगे आप लोगों को, और दूसरा पार्ट आएगा जिसमें प्लास्टर कैसे काटा जाएगा और उसकी रिकवरी कैसे हुई, क्या हुआ उसके बारे में बताएंगे। एक डेढ़ महीने बाद प्लास्टर काटा जाएगा। तो चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आते रहें, और ऐसे ही पशु चिकित्सा से संबंधित रोचक वीडियो आपके तक आते रहें और आप देखते रहें और जानकारी लेते रहें कैसे क्या करना है, आपका पशु कैसे बचाया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये जैसा कि देख रहे हैं, हड्डी पूरी टूट गई है, मेटाटार्सल है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हड्डी को अलाइनमेंट में लाके बढ़िया से अच्छे से खिंचवा के पकड़वा के सेट कर लें पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे। और रेडीमेड प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैंडेज आता है जिसको 10 सेकंड पानी में डुबो के बाहर निकाल लें, पानी निचुड़ जाए पूरा। उसके बाद कायदे से, क्योंकि पशुओं में मूव करते हैं, पशु चलते फिरते रहते हैं, इसलिए अंदर कुशनिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। हल्की बैंडेज एक बार लपेट दें, चाहे ज़्यादा अगर रुई या बैंडेज अंदर लगा देंगे, ऊपर से करेंगे, ढीला पड़ेगा तो वो एकदम बेकार हो जाता है। ये बहुत ही ध्यान देने की बात होती है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही जब तक बढ़िया से कर दें। और जब भी प्लास्टर काटें तो सावधानी रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा देर ऐसे ही पकड़ के बढ़िया से टाइटली खींच के सेट होने दें, और हो सके तो हवादार जगह पे ही करें प्लास्टर, हवा लगे तो। हवा लगने से प्लास्टर आप पेरिस सेट हो जाता है, सूख जाता है थोड़ा और कड़ा हो जाता है, उसके बाद धीरे से सुखा दें। जब तक बढ़िया से सूखे ना, पशु को चलने फिरने ना दें, रोक के रखें, गिरा के ही रखें। और जैसा कि ये देख रहे हैं, थोड़ा सा बकरी का बच्चा बहुत छोटा है, तो एक प्लास्टर बहुत बड़ा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे देख रहे हैं छोटे पैर में, पतले पैर में, फिर भी एक बढ़िया से कर दिया गया है, कोई समस्या नहीं आएगी और बहुत ही कायदे से हो जा रहा है और एकदम से। तो दोस्तों, ऐसे प्लास्टर करने के बाद पेन किलर इंजेक्शन या पेन किलर दवाइयाँ 2-3 दिन चलाएँगे, और कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूरी होता है इसमें, तो कैल्शियम के टेबलेट, सेलकाल टेबलेट आती है, उसको एक एक टेबलेट पर डे दिलवाते रहें, या आस्ट्रोवेट सिरप आता है उसको 20-20 ml पर डे ज़रूरी होता है। इसके साथ में ही हड्डियों को जुड़ने और टिश्यू को सेट होने के लिए टिश्यू ऐड टेबलेट आता है, उसको भी चलवा सकते हैं, आधा आधा टेबलेट सुबह शाम, छोटा बच्चा है तो, और एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसी अभी इंजेक्शन लगाने के बाद ये सेट कर दिया जाता है, और ध्यान रखें इंजेक्शन पहले ही लगा दें, जिससे दर्द भी कम होगा और पशु छटपटाए नहीं गा तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्लास्टर करने के बाद अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो हिलने का डर रहता है, मूव करता रहता है पशु, तो ये ध्यान रखें और कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए बढ़िया से प्लास्टर हो गया है, थोड़ी देर सूख जाएगा, उसके बाद ये बकरी चलेगी फिरेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाएगी पिएगी, सब सही होगा, प्लास्टर काट दिया जाएगा।